हेलो दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग बोले थे कि अगर इंसानों को अपना अस्तित्व बचाना हो तो उन्हें एक न एक दिन धरती को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर जाना ही पड़ेगा। दिन प्रतिदिन जैसे इंसानों की जनसंख्या बढ़ रही है उसे देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि अगले 50 सालों में इंसान मंगल ग्रह पर आना शुरू कर देगा, खासकर तब जब इलन मस्क जैसे लोग लगे हैं मंगल ग्रह पर ह्यूमन कॉलोनी बनाने के लिए। क्योंकि अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार 3.6 अरब साल पहले मंगल ग्रह पर एक ऐसी दुनिया थी जो शायद जीवन के लिए हमारी धरती से भी ज्यादा अनुकूल थी। यहाँ बहती नदियाँ, विशाल समुद्र और एक घना वातावरण भी था जो जीवन को पोषित करता था। तो क्या मंगल ग्रह पर इंसान जैसे लोग रहते थे? अगर रहते थे तो फिर वो कहाँ गए? ऐसा क्या हुआ जिससे मंगल ग्रह से जीवन का नामो निशान मिट गया? हम मंगल ग्रह से जुड़े सारे रहस्यों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके अभी के हालात को समझते हैं कि अगर आप वहाँ घर बनाकर रहना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। वहाँ का हवा मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। ऑक्सीजन के नाम पे सिर्फ 0.13% ऑक्सीजन है, मतलब सिर्फ 2 मिनट में आपका गेम ओवर। एटमोस्फेयरिक प्रेशर की बात की जाए तो हमारी धरती के मुकाबले सिर्फ 1% एटमोस्फेयरिक प्रेशर है। मतलब आप ग्लास से पानी पीना चाहोगे पी नहीं पाओगे, ग्लास का जो पानी है ऊपर चला जाएगा। टेम्परेचर वहाँ -60 डिग्री सेल्सियस होता है, पोल्स पे तो -150 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। मतलब सिर्फ 5 मिनट में आप बर्फ में बदल जाओगे, तो मंगल ग्रह पर रहने का सोचना भी नहीं। इन सब से अगर बच भी गए तो सूरज से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आता है उससे आपको कौन बचाएगा, क्योंकि मंगल ग्रह पर कोई ओजोन लेयर नहीं है हमारी धरती की तरह। तो मंगल ग्रह पर घर बनाना एक बुरे सपना से कम नहीं, लेकिन आज से 3.6 अरब साल पहले का कंडीशन बिल्कुल अलग था। नासा के प्रिजर्वेंस रोवर के डाटा के अनुसार आज से 3.6 अरब साल पहले मंगल ग्रह पर साफ झील मौजूद था जिसमें शुद्ध पानी था। उस पानी में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, मतलब वो सारे एलिमेंट यानी तत्व तो मौजूद थे जो जीवन के लिए जरूरी है। और इससे बड़ी बात, जो उसका मिट्टी है उसमें जीवन का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, मतलब जो डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन होता है, वो सारे केमिकल्स वो सारे के सारे मौजूद थे। धरती की तरह ही यहाँ भी वेटलैंड्स थे जिसमें लंबे समय तक पानी था। दूसरी तरफ गेल क्रेटर का क्यूरियोसिटी रोवर का जो डाटा है सेम यही बोलता है। लूनर प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट के रिसर्च के डाटा के अनुसार मंगल ग्रह के वातावरण आज से धरती से भी ज्यादा अच्छा था। वहाँ प्रॉपर वाटर साइकिल था जिसमें समय के साथ बारिश भी होती थी। लेकिन दूसरी तरफ 3.6 अरब साल पहले हमारी धरती कैसी थी? हर जगह ज्वालामुखी विस्फोट, उल्का पिंडों की बारिश, सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया जैसे खतरनाक गैसेस, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा जीरो। और ना ही उस वक्त धरती के एटमॉस्फेयर में कोई ओजोन लेयर था जो हमें सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशन से बचाता। महासागर जो आज हमें इतने शांत दिखते हैं वो उस टाइम उबल रहे थे। तो मसला ये है कि अगर इतने खतरनाक स्थिति होने के बाद भी धरती पे जीवन एक सिंगल सेल से इवॉल्व होकर आज की मॉडर्न सिविलाइजेशन तक आ सकती है तो आज से 3.6 अरब साल पहले के मंगल ग्रह पर क्यों नहीं? क्योंकि उस वक्त मंगल ग्रह पे वो सारा कंडीशन मौजूद था जो जीवन को इवॉल्व होने के लिए चाहिए। लेकिन इससे बड़ा सवाल कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मंगल ग्रह से जीवन का नामो निशान मिट गया? दरअसल मंगल ग्रह पृथ्वी से थोड़ा छोटा है और इसका कोर भी पिघले हुए लावा से बना है। चूंकि मंगल ग्रह का जो आकार है वो थोड़ा छोटा है, छोटा होने की वजह से जो उसका कोर है उस पर इनफ दबाव नहीं पड़ पाता। मंगल का जो कोर है वो बिल्कुल मोल्टेन आयरन फॉर्म में है। अब जब वो ठोस में नहीं बन पाया जिसके वजह से वो धीरे 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 ठंडा होने लगा। अब ठंडा होने की वजह से वो ज्यादा तेजी से नहीं घूमेगा जो उसके अंदर का आयरन जो मोल्टेन कोर है वो, सो जो उसका मैग्नेटिक फील्ड है वो धीरे 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 कमजोर पड़ने लगा। तो एक पल के लिए इमेजिन करो कि क्या हो अगर आज से 3.6 अरब साल पहले मंगल ग्रह पे भी हमारे जैसे इंसान रहते हो। जब उन्हें पता चला होगा कि उनका जो ग्रह है वो धीरे धीरे अपना मैग्नेटिक फील्ड खो रहा है और जो उनका एटमॉस्फेयर यानी वातावरण है वो भी धीरे धीरे स्पेस में इजेक्ट हो रहा है, जो उनके ग्रह का पानी है वो भी धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो रहा है, तो फिर उनका रिएक्शन क्या होगा? क्या वो बस ऐसे ही चुपचाप बैठ गए होंगे भगवान भरोसे, या फिर कुछ मतलब किया होगा अपनी जिंदगी को बचाने के लिए? अगर हम आप होते तो क्या करते? बस ऐसे ही बैठ जाते कि ठीक है भाई मरना है तो भाई मरना ही सही, या कुछ करते? भला मरता हुआ इंसान क्या नहीं करता है। लेकिन इससे बड़ा सवाल कि
उनके पास ऑप्शन क्या था? क्या उनके पास कोई ऐसा रास्ता था जिससे वो अपनी जिंदगी को बचा पाते? शायद उनके पास ऑप्शन था खुद को बचाने के लिए, या फिर शायद वो खुद को बचाए भी हों। क्योंकि हमारी धरती पे डीप सी में साइंटिस्टों को कुछ ऐसा मिला है जो हमारे सोच को बिल्कुल ही बदल कर रख गया है। आप यकीन नहीं करोगे, आप क्या जानते हो कि ऑक्सीजन पेड़ पौधे जनरेट करते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया के दौरान। लेकिन ऐसा नहीं है, डीप सी में कुछ ऐसे मेटेलिक नोड्यूल्स मिले हैं जो ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, जिसे डार्क ऑक्सीजन बोला जा रहा। दरअसल डीप सी में जहाँ सूरज का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से जो फाइटोप्लैंकटन है वो ऑक्सीजन जनरेट नहीं कर पाते, वहाँ ऑक्सीजन देने का काम ये मेटेलिक नोड्यूल्स करते हैं। क्योंकि अगर ये मेटेलिक नोड्यूल आपके पास है तो आप ऑक्सीजन बना सकते हो, आप हाइड्रोजन बना सकते हो। हाइड्रोजन आप एज ए फ्यूल इस्तेमाल करो और ऑक्सीजन सांस लेने के लिए। तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर ये मेटेलिक नोड्यूल्स हमारे धरती के सी में है, तो आज से 3.6 अरब साल पहले शायद मंगल ग्रह के सी यानी जो समुद्र है, जो मंगल ग्रह पे ओशियन था, उसमें भी हो। जब नेचर धरती पे इसे पैदा कर सकता है तो मार्स पे क्यों नहीं? तो अगर आज से 3.6 अरब साल पहले अगर इंसान रहते थे मंगल पे, तो वो इन मेटेलिक नीडल्स को कलेक्ट करते और किसी ऐसे ग्रह पे जाते जहाँ पानी हो, तो शायद वो सर्वाइव कर सकते थे, या फिर वो मंगल पे भी सर्वाइव कर सकते थे। अभी अगर हम करंट सिनेरियो को देखें तो मंगल पे धरती के मुकाबले 1/6 मतलब छठा हिस्सा पानी है। मतलब अगर धरती पे 6 लीटर पानी है तो मंगल पे 1 लीटर पानी है, जो उसके पोल्स और सरफेस के नीचे ग्राउंड वाटर के फॉर्म में स्टोर है। अगर वो लोग मंगल ग्रह के सरफेस के अंदर अंडरग्राउंड जाते, बिल्कुल अंडरग्राउंड, और उनके पास ये मेटेलिक नोड्यूल्स हो, तो वो लोग अंडरग्राउंड वाटर से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जनरेट कर पाते और एनर्जी के लिए हाइड्रोजन, सांस लेने के लिए हवा और पीने के लिए पानी। बाकी इंसान को क्या चाहिए? मरता वाला क्या नहीं करता, वो दूसरे चीजों का जुगाड़ तो कर ही लेता है। हम तो यही करते, या तो धरती के तरफ आते या फिर मंगल ग्रह के सरफेस के नीचे जाते। या फिर ऐसा तो नहीं कि हम इंसान मंगल ग्रह से ही आए हैं? क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, इट्स इम्पॉसिबल टू क्रिएट ह्यूमन लाइक अस फ्रॉम ए बबल सॉप। और अगला वीडियो अगर आप चाहते हो इस पे देखना कि हम इंसान वाकई में अर्थ पे ही ओरिजिनेट हुए या फिर किसी दूसरे ग्रह से आए हैं, तो अगर 10 कमेंट मिलेगा तो मैं इस पे लिटरली एक वीडियो बनाऊंगा। तो आप क्या देखना पसंद करते हैं हमें कमेंट में आप एक बार जरूर बताना, और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।